सुप्रभात बच्चों, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा में क्या है? अपने नाम की बात। संज्ञा क्या होती है वो अभी अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा का मतलब क्या है? व्याख्या, उसके बारे में पूरी जानकारी। परिभाषा ऐसी हर प्राणी, स्थान और वस्तु का नाम होता है और नाम से ही उसकी पहचान होती है। यानी कि हर वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, उसका एक विशेष नाम होता है, उसी से उसकी पहचान होती है। नाम किसी का भी हो सकता है, वो संज्ञा कहलाती है। यानी कि किसी का भी कुछ भी नाम है ना, वो ही अपनी संज्ञा कहलाती है। अवस्था और भाव भी संज्ञा होती है। अवस्था यानी कि ठोस है, द्रव है या गैस है। अलग अलग अवस्थाएं होती है ना, जैसे पानी की अवस्था, पानी जब ठोस होता है, बर्फ होता है, और जब पिघलता है तो अपना द्रव्य बन जाता है, नॉर्मल पानी होता है, और ज़्यादा अपन गर्म करते हैं तो हवा यानी कि गैस में बदल जाता है, वाष्प बन जाता है। वैसे ही अलग अलग अवस्थाओं को भी अपन संज्ञा कहेंगे। और भाव यानी कि भाव में आप समझ गए, युवा है या बूढ़ा है, या फिर खारा है या फिर मिठास है, अलग अलग भाव होते हैं। उन सबके नामों को, इन सबके नाम को ही अपन संज्ञा कहेंगे। आगे अपन उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे व्यक्तियों के नाम, यानी कि व्यक्तियों के जितने भी नाम है वो संज्ञा में आते हैं। तो व्यक्तियों में नाम हो गए महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, और उसके बाद में क्या है, जो भी पशु पक्षियों के भी जो भी नाम है वो भी अपने क्या आएंगे, संज्ञा में आएंगे। तो पशु पक्षियों के क्या नाम होंगे? कुत्ता है और तोता है, बिल्ली है, भालू है, चिड़िया है, ये सब क्या है, इनके भी नाम है जो संज्ञा है। उसके बाद में देखो स्थानों के नाम। स्थान यानी घर, घर भी अपना एक स्थान है, और स्कूल, स्कूल भी अपना एक स्थान है, ये भी एक संज्ञा है, इनके भी नाम है। और जैसे और स्थान अपन देखें तो जैसे जगह का नाम बालेश्वर है, जोधपुर है, उदयपुर है, ये सब स्थान है, इनके भी अलग नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है। उसके बाद में देखो इमारतें, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या जो पुराने दर्शनीय स्थल है, उनके भी अलग अलग नाम है। तो देखो ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है, और उसके बाद में इंडिया गेट, इंडिया गेट भी एक इमारत है, तो इसके नाम है, वो नाम भी ये संज्ञा है। उसके बाद में देखो व्यवसाय, यानी कि लोगों के काम धंधे, वो भी एक संज्ञा है, काम धंधे भी। उसमें देखो डॉक्टर, डॉक्टर का भी एक पेशा हुआ ना, धंधा हुआ ना, तो उनका भी एक काम है, अलग फील्ड है, तो वो भी एक संज्ञा है। उसके बाद में किसान जो खेती करते हैं, या टीचर है जो पढ़ाते हैं, ये भी क्या है, सब संज्ञा शब्द है। उसके बाद में देखो यातायात के साधन, यातायात के साधनों में क्या, देखो कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, और भी बहुत सारे साधन है ना, वो भी सब क्या है, संज्ञा है, जिनके भी नाम होंगे। पहले देखो परिभाषा में अपने क्या पढ़ा था, जिनके भी विशेष नाम होंगे वो संज्ञा है। आगे देखो अपने क्या है, फल है, फल भी संज्ञा है। जैसे फलों में अलग अलग होते हैं, सेब है, नाशपाती है, आम है, केला है, ये भी सब संज्ञा शब्द है। उसके बाद में देखो फूल, फूलों में देखो कमल है, गुलाब है, चमेली है, इन सबके नाम भी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द होते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी अपन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा और उदाहरण भी देखे हैं। अब अपन और दूसरे उदाहरण भी देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब देखो और उदाहरण देखते हैं अपन। उसमें देखो पहला उदाहरण अपना है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो अखबार कौन पढ़ रहा है? पिताजी पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा क्या हो गई? पिताजी। उसके बाद में देखो माताजी खाना पका रही हैं। तो खाना कौन पका रही है, यानी कि काम कौन कर रहा है? माताजी कर रहे हैं, तो ये माताजी अपनी संज्ञा हो गई। उसके बाद में देखो मोर नाच रहा है, यानी कि इसमें मोर नाच रहा है, तो संज्ञा क्या हो गई? मोर। मोर कब नाचता है आप सबको पता है? मोर बारिश की ऋतु में नाचता है, जो अभी अपनी चल रही है। आप सबने मोर को तो देखा ही होगा, या फिर अभी आप बारिश की ऋतु में देख सकते हो। उसके बाद में देखो धोबी कपड़े धोबी कपड़े धोता है, यानी कि इसमें कपड़े कौन धोता है? धोबी। तो धोबी क्या हो गई? अपनी संज्ञा हो गई। उसके बाद में देखो बकरी चरती है, तो इसमें संज्ञा हो गई बकरी। उसके बाद में देखो रमन बालेश्वर जा रहा है। अब देखो इसमें संज्ञा कौन सी होगी, आप देखो अच्छी तरह से। इसमें देखो दो संज्ञाएं होगी, एक तो रमन, आपने क्या पढ़ा था, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु भी संज्ञा होगी, स्थान भी संज्ञा होगा, और व्यक्ति भी संज्ञा होगा। तो देखो रमन, रमन व्यक्ति है तो संज्ञा हो गया,
उसके बाद में बालेश्वर क्या स्थान है, तो बालेश्वर भी संज्ञा हो गया। इसलिए अपने इस वाक्य के अंदर दो संज्ञाएं हैं, रमन भी संज्ञा है और बालेश्वर भी संज्ञा है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी कि कोई वाक्य में दो संज्ञाएं भी होती हैं तो किसी बड़े वाक्य में तीन संज्ञाएं भी हो सकती हैं। तो अपने इस वाक्य के अंदर दो संज्ञाएं हैं। आगे देखते हैं, मोहन और राधा पढ़ रहे हैं, यानी कि मोहन और राधा क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें संज्ञाएं कितनी होगी, देखो अंडरलाइन कितने पे कर रखी, दो पे कर रखी है। तो देखो व्यक्ति इसमें दो हो गए, मोहन भी व्यक्ति है और राधा भी व्यक्ति है, तो इसमें दोनों संज्ञा हो गए। तो मोहन और राधा पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा क्या होगी, मोहन संज्ञा है और राधा भी संज्ञा है। उसके बाद में देखो कृष्णा गा रही है, गाने कौन गा रही है, कृष्णा, तो कृष्णा क्या होगी, अपनी संज्ञा हो गई। तो अब आप इतने सारे उदाहरण देख चुके हो, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसके बाद में वर्कशीट होगी, वो वर्कशीट करनी है आपको। थैंक यू।